हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज वीडियो हम लोग बात करने वाले सेथ रॉलिंस के बारे में, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने ब्रोकन स्कल सेशन में अपने फ्यूचर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो कब रिटेंगे, उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट अभी कितना लंबा बाकी है। तो गाइस, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सेथ रॉलिंस स्टोन कोल्ड के शो स्टोन कोल्ड ब्रोकन स्कल्स में आए थे। उन्होंने यहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में बताया, उन्होंने WWE करियर के बारे में बताया, और उन्होंने इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों पर बात की। तो उन्होंने अपने करियर पर बात बताया कि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा बाकी है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी करीबन 3 से 4 साल तक बाकी है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट तो जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब उनकी बेटी की उम्र 3 से 4 साल हो जाएगी। तो उनकी बेटी का क्योंकि उनकी बेटी का जन्म कुछ समय पहले ही हुआ है, इसलिए इस बात से साफ है कि सेथ रॉलिंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी 3 से 4 साल अभी लंबा है, और अभी वो 3 से 4 साल तक WWE के साथ ही रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ उनसे पूछा कि वो रिटायरमेंट कब ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रो रेसलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं प्रो रेसलिंग में हमेशा ही बना रहना चाहता हूँ, लेकिन जब से मेरी डॉटर का जन्म हुआ है तब से थोड़ी चीज़ें बदल चुकी है। अगर मैं कल ही रिटायर हो जाता हूँ तो मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। मैंने अपने करियर में जितनी सारी चीज़ें अचीव की है मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं प्रो रेसलिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं रेसलिंग के साथ हमेशा ही बना रहूँ। तो इससे तो साफ है कि सेथ रॉलिंस 3 से 4 साल के लिए WWE के साथ ही है, और मुझे नहीं लगता कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो WWE के अलावा और किसी कंपनी के साथ डील साइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके लिए प्रोफेशनल रेसलिंग का मतलब WWE ही होता है। तो गाइस, कुछ ऐसा कहा था सेथ रॉलिंस ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट यानी कि स्टोन कोल्ड ब्रोकन स्कल सेशन में, और उन्होंने अपने करियर और अपने पूरे WWE करियर के बारे में बताया। तो गाइस, वीडियो यहाँ तक थी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल में चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।